ये किसका नाम ले रहे हैं आप? शहबाज शरीफ साहब का दावा है ना, उनकी भतीजी का दावा है कि सुबह 4 बजे उठते हैं। अच्छा, वो आपने कहानी सुनी हुई है, वो जब लोमड़ी बीमार हुई थी तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो जंगल में बंदर था वो कभी एक एक दरख्त से दूसरी तरफ भागता था और दूसरे दरख्त से फिर इस तरफ, तो सारे जंगल वालों के जानवरों ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, उसने कहा मैं नस भज के दिखा रहे हैं। तो 4 बजे उठ के रात 11 बजे तक सिर्फ सोचते ही रहते हैं और नस भज के दिखाते रहते हैं, तो उसका हमें क्या फायदा है? इस बंदे ने अपने आने से पहले कहा था कि पाकिस्तान की आवाम के लिए, कि पाकिस्तान के लिए, कि बैगर्स कांट बी चूजर्स, तब हम सारे कहते थे कि नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, हम खुददार कौम है, हम एक आजाद कौम है, हम अपने फैसले खुद करने वाले हैं। और एक जो गयूर कौमें होती हैं, आजाद कौमें होती हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे बनी होती है जो मुल्क, वो बैगर्स कांट बी चूजर्स के नारे नहीं लगाते। उसके बाद इसके वजीर दिफा ने कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो तो वेंटिलेटर पे, अमरीका के वेंटिलेटर पे। आज ये जो महंगाई हो रही है जिस तरह की, और जिस तरह से लाइनों में लगा के कितने कितनी किलोमीटर की लाइनों में लोगों को आटा दिया जा रहा है, भीख मंगा बनाया जा रहा है, इन्होंने ये सिस्टमेटिकली किया है। इन्होंने बताया है कि ये तुम जो आजादी के मतवाले बन रहे थे, बड़े तुम आजादी, हकीकी आजादी के नारे लगा रहे थे, हम तुम्हें भीख मंगा बनाएंगे। ये आज की जो महंगाई है ना, ये जानबूझ के की गई है महंगाई। ये इन्होंने 6% पे ग्रोथ रेट, बढ़ता मुल्क, चलता मुल्क, तरक्की करता मुल्क, वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन थी पिछले साल कि पाकिस्तान टॉप जो फास्टेस्ट 10 ग्रोइंग मुल्क है उनमें शामिल है। इस खित्ते का सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान था, 9% महंगाई थी। आज आपको पता है इस खित्ते में 200 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई। हम इस वक्त हाइपर इन्फ्लेशन में 67.7%, यानी कमोडिटी सुपर साइकिल पे है। वो आटा जो अभी यहाँ मैं दिखा रही थी सबको, वो हमारे डंगर भी नहीं खाते जो ये आवाम को बांट रहे हैं, और उस आटे के नाम पे जितनी इन्होंने तजलील की है। हमारी वो कौम है कि ये रोजों में लोग यहाँ दिल खोल के बांटते हैं। ये सबसे ज्यादा जकात खराब देने वाली कौम है, और अल्लाह का हुक्म है कि एक हाथ से दो तो दूसरे से पता ना लगे। आपने यहाँ पे कितना तमाशा देखा है, इस आटे की लाइनों में हमारी औरतें, हमारी बच्चियां, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे कुचले गए हैं, और उसके बाद लेके क्या आए हैं? वो ऐसा भूसा है कि मैंने कहा है हम विमेन विंग की तरफ से